अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हाजरीन मित्रों, जनाब मैं हूँ आपका बहुत ही फेवरेट। मेरा नाम ख्वाजा जरगुल जमीर है। ये मेरे छोटे बेटे हैं नोरेज गुल, जिनको प्यार से हम गुल्लू भैया कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम। तो इस तरह है कि आज हमने बनाया जो हमारे पास स्पेशल डिश है कश्मीरियों की, कश्मीरी दाल चावल। लाहौर में भी बहुत फेवरेट चलती है कश्मीरी दाल चावल, गुजरावाला में भी चलती है, और मैं तो बहुत ही शौकीन हूँ चावलों का। तो मेरे घर में तकरीबन डेली चावल बनते हैं। तो आज मैंने फरमाइश की बेगम से जी मुझे दाल चावल बना के दें, कश्मीरी दाल चावल। देखें स्पेशल दाल है जी, गोश्त में बनती है। इसकी एक कंसिस्टेंसी देखें, सारे गोश्त ही गोश्त है। उसके रेशे देखें कैसे ज़बरदस्त हैं, बहुत आला टेस्ट होता है। जैसा सलाद है इसमें बनाए हैं, सारे ग्रीन हरा रहता भी है और ये वाइट रहता भी है, ये अचार भी है, और एक कंप्लीट प्लेट बनती है तो बहुत ही मज़ा आता है खाने का। तो पहले तो होता था जनाब जी, हम हमारी वालदा होती थी आपकी दादी माँ किचन में बनाते थे, हम सारे बैठे होते, मैं बड़ी वहाँ में बड़ा बड़ा फेवरेट था, मम्मी जल्दी कर दें, मम्मी जल्दी कर दें, मम्मी जल्दी कर दें। एक दो बच्चे होते हैं जिनको पसंद भी नहीं होता, कहते हमने नहीं खाना, हमने नहीं खाना चावल। मेरी मम्मी कहती थी खसमान खाओ, मुंह काली पेट हो, भूखे लगे थे आप ही खाओगे। फिर वो बच्चे तीन चार घंटे बजे भूख लगती थी, चोरी छुपे किचन में जाते थे और खाने शुरू हो जाते थे। तो फिर हम शुरू करते हैं, अल्लाह का नाम लेके माय फेवरेट दाल चावल। फिर जब चावल शुरू करते हैं, थोड़े से मैंने भी डाले और मैं डाल दूंगा। हा हा हा, क्या चावल धुएंदार है यार, वाह। लो गुल्लू अब लो इन्हें दाल डाल, वाह क्या वाह, गर्म गर्म चावल अन्नी पै गई है तो यार, वाह। हम थोड़ी सलाद भी लेते हैं यार, ये सलाद भी हमने ली, थोड़ा सा हरा रायता डाल देते हैं इसमें, ये अचार हम डालते हैं यार। दाल की कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है देख लो, ये तो कश्मीरी दाल चावलों का कमाल है। ये ले जी हमने चार भी डाल लिया, अब इसको हम खाते हैं। वाह वाह क्या बात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे मैं चार पहले ले लेता हूँ। बहुत आला, बहुत ही आला, स्पाइसी, गर्म मसाले का टेस्ट, गोश्त का टेस्ट अल्टीमेट। ये हमने आज बनाई चिकन के अंदर, ये बीफ में भी बनती है, मटन में भी बनती है। तो कुछ बच्चे हैं मेरे जो चिकन ही पसंद करते हैं, इसलिए हमने चिकन में बना दी। बीफ में बहुत कमाल की बनती है, ये बहुत ही पसंद की जाती है, लाहौर में बहुत चलती है। सुभानअल्लाह, मेरी फेवरेट डिश है। आपकी भी फेवरेट है, एकदम मजे की डिश। बहुत आला जना, बहुत मजेदार। मैडम भी खाना, कोई इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं है, सारे घर बना सकते हैं। मजे दाल चावल जो बाजार में मिलते हैं ना, उसमें चिकन चिकन कुछ भी नहीं होता, वो सब ड्रामे होते हैं। तो ये होता चिकन वाला सही टेस्ट इसका। वो वाला मजेदार। चार लो यार, वो सलाद नहीं ले रहे, लो सलाद भी, जैसे गेम पूरी नहीं बनती इसके बगैर। यार मेरी मम्मी याद आ गई और अभी याद आई, उनका फेवरेट था दाल चावल। हफ्ते में एक या दो दिन हमारे घर जरूर बनते हैं। आपकी फरमाइश होती थी। मैं पढ़ने जाता था, मैं पढ़ने लाहौर आया हुआ था, मैं भावलपुर का रहने वाला हूँ। तो मैं जब भी जाता था ना, महीने दो महीने बाद घर माँ बाप से मिलने, तो मैं ये फरमाइश करता था मम्मी दाल चावल बनानी कश्मीरी,
वाह मम्मी वो बना देती थी। बाजार में जो मिलते हैं ना गुल्लू उसको कम्पीट ही नहीं कर सकते। ये वाला कम्पीट कर सकते हैं? ये तो मैं कहता तूफानी है, ये तो बोल बिछा के ऐसे ऐसा कोई बनाते ही नहीं है। लेकिन अपनी माँ का टेस्ट कुछ और ही होता है ना। माँ तो बिन माँ है ना, उसका तो नो सब्स्टिट्यूट ऑन अर्थ। मैं तो कभी अपनी दादी को देख ही नहीं पाया। हाँ आपके आने से पहले वो फोत हो गई थी। हमारे घर डैडी आपको पता है मम्मी का जिक्र होता है उनकी बातें, जो बड़े बड़े डिश बनाई उन्होंने। हर नवाले में इसके हर बाइट में गोश्त का कितना जायका है। खुद मजे का है। पेट भर जाता बंदे का, नियत नहीं भरती गुल्लू। पानी ना पीना भूल जाएगा पेट। दही लिया अपने सफेद? मैं सोच रहा हूँ कभी ना इसका हम कारोबार ही कर लें, खुद ही बना के बेचें और में सब बनाने वालों की छुट्टी हो जाएगी। तो मैंने बना लिया अगर, क्योंकि ये मेरी मम्मी की रेसिपी है आपकी दादों की। शुरू कर दिया थोड़ा से काम है, उसके बाद इंशाल्लाह ताला कश्मीरी दाल चावल। मेरे दाल चावल आ गए ना तो मार्केट में सारे फसली बढ़ेरे गायब हो जाएंगे। ये बाजार पे कितने क्या कॉफी प्लेट? तो डिपेंड करते हैं ना आपने क्या क्या यूज किया उसमें, उस हिसाब से कॉस्टिंग होती है। मजा आ गया यार। मैं तो दूसरी प्लेट भी बना ली। हर पॉइंट में ज्यादा मजा किया जा रहा है मुझे तो। अनएक्सप्लेनेबल टेस्ट दाल चावल का, डिस्क्राइब भी नहीं कर पाता बंदा। दाल चावलों के लिए ना आपको चावल अच्छी क्वालिटी के लेने होंगे, कायनात के लिए बेहतरीन आ लें, खुशबू भी इसमें आती है चावलों में और बहुत अच्छा टेस्ट होता है। थोड़ी देर और खा लें। कल भी खाऊंगा यार। वाह क्या दाल है यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह मजा आ गया। ना तो मजे हो गए जनाब यार, मेरा पेट भरने लग गया है। साइड वाले पेट में डाल लो ना। ये अभी टाइम क्या हुआ है? तो हो गया होगा 10:30। 12 बजे खबगा में खाना तो हम खा चुके, पेट भी बहुत भर गया। आपका भी दिल जा रहा होगा, आप लोग भी जाके खाना खाएं। इंशाल्लाह अगले खाने पे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।